बालोतरा जिले के बायतू उपखंड मुख्यालय के विभिन्न गांवों में इन दिनों कई नन्हे नन्हे बच्चों में स्केटिंग चलाने का ऐसा जुनून छाया है कि उन्हें जैसे ही मौका मिलता है वो स्केटिंग के जूते पहनकर सड़कों पर निकल पड़ते हैं। बायतू पंचायत समिति की बायतू चिमंजी ग्राम पंचायत के सांवलसर निवासी दो सगे भाई जवाहर नवोदय विद्यालय पचपदरा में अध्ययनरत हैं। इन दिनों सर्दियों की छुट्टी चल रही है, ये बच्चे छुट्टियों में अपने घर में आए हुए हैं। ये बच्चे सुबह शाम दोनों समय अपने दादाजी के साथ सड़क पर बहुत ही शानदार तरीके से स्केटिंग करते नजर आ रहे हैं। बायतू चिमंजी ग्राम पंचायत के सांवलसर निवासी वृद्धाराम सारण के पुत्र जोगेंद्र पुत्र हेमंत कुमार और प्रवीण चौधरी हेमंत कुमार जवाहर नवोदय विद्यालय पचपदरा में पढ़ते हैं। इन छोटे छोटे सगे भाइयों में स्केटिंग का जुनून छाया हुआ है। जवाहर नवोदय विद्यालय में स्केटिंग चलाने का मौका नहीं मिलता, इसलिए यह घर आते ही अपने दादाजी वृद्धाराम सारण के साथ स्केटिंग सीखने निकल पड़ते हैं। ये दोनों भाई पिछले एक साल से स्केटिंग सीख रहे हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे करीबन 20 की रफ्तार से स्केटिंग चला लेते हैं। इन दोनों भाइयों के पास स्केटिंग के एक जोड़ी जूते हैं। दोनों भाई बारी बारी से जूते पहनकर स्केटिंग करते हैं। वृद्धाराम सारण और जोगेंद्र व प्रवीण ने बताया कि बायतू में खेल मैदान का अभाव है, उन्होंने बायतू में खेल मैदान बनवाने की मांग की है। दादा वृद्धाराम कहते हैं कि जब वह नन्हे नन्हे बच्चों को स्केटिंग चलाते देखते हैं तो उनके दिल को बड़ी खुशी होती है। दादा वृद्धाराम खुद अपने पोतों के कोच बनकर उन्हें स्केटिंग सिखाते हैं और बच्चों का हौसला अफजाई करते हैं। कितना टाइम हुआ स्केटिंग चलाते? कुछ नहीं, एक साल भी नहीं हुआ। नहीं मतलब कितने टाइम चला लेते हो? मतलब महीने में एक बार दो बार या हमेशा चलाते हो? नहीं, हम नवोदय स्कूल जब छुट्टी पे आते तब कुछ दिन। अच्छा, छुट्टियों में घर आते हो तभी? चार पांच दिन की छुट्टी होती है तो? कौन सिखाता, कौन है आपको स्केटिंग? कुछ नहीं, दादा से सिखा लेते हैं, बोर्ड पाते हैं तब हमने अपने आप। कैसे जोश कैसे आया, कैसे सीखने का मतलब जुनून कैसे जगा? वीडियो देखते। कहाँ देखे थे वीडियो? फोन में वीडियो देखे थे। अच्छा, यूट्यूब पे उसको देख के सीख रहे हो? नाम आपका? वृद्धाराम। वृद्धाराम जी, क्या लगते हैं बच्चे आपके? ये मेरे पोते हैं दो। अच्छा, कितना टाइम हो गया इनको सीखते हुए? ऐसे तो यहाँ साल सवा साल हो गई है। हाँ। पर तो ये नौ दिल्ली में पढ़ते हैं पसपदरा। हाँ। और इसमें घर पर आते हैं होली दियाली। हाँ। छुट्टियों में गर्मियों में तब घंटा दो घंटा घंटा दो घंटा चलाते हैं और उनका पढ़ाई का जज्बा ज़्यादा है और स्केटिंग में थोड़ा है जुनून है। उनका वीडियो वगैरह देख करके बाद दादी हमारे लाओ हम भी चलाऊँ, हमने लेकर आया ये सलाह रहे हैं और पढ़ाई में भी अच्छे दो स्थान में है। ऐसे मेरे बड़े भाई के दो बच्चे पोते हैं और मेरे चार पोते नौ दिल्ली में पसपदरे हैं और पढ़ाई में भी होनचार हैं और इनका यह सीखना है तो वहाँ मैदान है नहीं, ठीक है, यहाँ घर पर आते तो सीखते हैं और इनका मन में है कि भाई आगे बढ़ेंगे, ऐसे मैच में जाएंगे और आगे जयपुर जाना या बाहर नेशनल में, पर वहाँ मैदान है, कोच है, सिखाने वाला हो, कोई नेता वगैरह हमारा इनका सपोर्ट करे तो ये आगे बढ़ सकते हैं। भाई तो के अंदर खेल मैदान नहीं है, बच्चों को सीखने में काफी दिक्कत है। हाँ, खेल मैदान नहीं है और ये बाद में जिला बन गया है और जिले का कोई बड़ा नेता वगैरह इनका बच्चों का भविष्य देखे, कोई मैदान बना दे तो उन बच्चों के आने वाले भविष्य में आगे बच्चे पढ़ सकते हैं। भाई तो के और भी कुछ बच्चे हैं जिनके वीडियो आ रहे हैं, हाँ, वो भी सीख रहे हैं। हाँ भाई, तुम्हें तेलियों के समाज के तीन बच्चे हैं, तीन ही भाई है, वो भी है और दूसरे भी है, एक सुतार है, सेनाराम फौजी है, उनका दोईता है। भाई तुम्हें अच्छा मैदान हुए और तो आना झंझरन ये आगे बढ़े और ये सीख सकें और आगे भविष्य के लिए आगे कोई कर सकें।